हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉपिंग क्लासेस के प्यारे से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 12.3 के बचे हुए सभी सवालों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों। तो आपको स्क्रीन पे 9वां नंबर प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा प्यारे बच्चों, और रहे जो बचे हुए जो 8 प्यारे बच्चों, इसके जो पहले के 8 सवाल थे वो सभी 8 सवाल आपको इससे पिछले वाले वीडियो में उपलब्ध है, आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने देखा है तो आज हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 9 का। तो चलिए स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखाई पड़ रहा था, हम पढ़ लेते हैं क्या कर रहा 9 नंबर। आकृति ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर व्यास है, यानी ये कोई ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसका दो ठो व्यास है, एक ए बी है और एक क्या है प्यारे बच्चों, सी डी है। आगे करा तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, ओ डी ये छोटे वृत्त का क्या है, व्यास है। यदि ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, ओ ए बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर। अगर ये 7 है प्यारे बच्चों तो ये भी 7 होगा, ये भी 7 होगा आपका, ध्यान से देखिएगा, सभी 7 सेंटीमीटर क्योंकि त्रिज्याएं सबकी बराबर है। तो 7 सेंटीमीटर हो तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, छायांकित भाग में ये एक गोला आ रहा है और एक दो ये भाग आ रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले इन दोनों भागों को ज्ञात करेंगे। इन दोनों भागों को कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, कैसे ज्ञात कर सकते हैं प्यारे बच्चों, सोचिए जरा सब। अगर हम इस अर्धवृत्त में से, अर्धवृत्त ओ ए बी सी ओ में से अगर त्रिभुज को घटा दे, त्रिभुज बी ए सी, त्रिभुज बी ए सी को घटा दे तो मुझे वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, अर्धवृत्त ओ ए बी सी ओ में छायांकित भाग का क्षेत्रफल में, ध्यान से देखिए, में क्या होगा प्यारे बच्चों, में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या होगा प्यारे बच्चों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ध्यान से देखिए। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, और ए त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। चलिए ध्यान से देखिए, अब केवल वैल्यू रखना है, 1/2 पाई का मान 22/7 होता है प्यारे बच्चों आर। अब ध्यान से देखिए, अर्धवृत्त की त्रिज्या चाहिए आपको, तो अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 है, तो यहां क्या हो जाएगा, 7/7 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर की बात है प्यारे बच्चों, माइनस 1/2 आधार, त्रिभुज का आधार कितना है प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक का जो आधार है 7 और 7 जोड़ के कितना हो जाएगा 14। ऊंचाई ओ और सी है, कितना है प्यारे बच्चों 7 है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये 7 से 7 कैंसिल होगा, 11 दुनी क्या हो जाएगा 22 होगा, और ये 2 सते ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक प्यारे बच्चों। अब 11 सते कितना आ जाएगा 77, और यहां 7 सते 49, तो अगर घटा देते हैं तो 17 में से 9 घटाएंगे 8 आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहां ध्यान से देखिएगा, अब आपके पास यहां कितना बच जाएगा 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 आ जाएगा, यानी प्यारे बच्चों 28 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, किसका, इतने भाग का, यहां से लेके ये छायांकित भाग और ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर वर्ग आया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो किसके बराबर है, वो आपने इधर वाला क्षेत्रफल निकाल लिए है, कितना आया 28 आया है, अब बचा कौन है, ये है प्यारे बच्चों। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये पूरा वृत्त है तो लिखेंगे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल
और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपने जो निकाला है वो 28। ठीक, अब छोटे वृत्त का क्षेत्रफल होता है प्यारे बच्चों पाई आर स्क्वायर प्लस कितना होगा 28। अब पाई का मान 22/7 और आर आर जो होता है प्यारे बच्चों व्यास का आधा होता है, व्यास कितना है 7 है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, तो 7/2 और 7/2 प्लस 28, 7 से 7 कैंसिल, 2 ग्राम में 22, 11 सत्ते 77 बटे 2 प्लस कितना हो जाएगा 28, भाग देंगे तो लगभग 2 3 6, फिर 2 8 16, फिर 38.5, ये 28 जोड़ देंगे प्यारे बच्चों तो लगभग आपका आंसर क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा, कितना प्राप्त होगा 66.5, कितना प्राप्त होगा 66.5 सेंटीमीटर वर्ग। इस प्रकार प्यारे बच्चों 9वां नंबर प्रश्न भी आपका क्या होता है कंप्लीट होता है। क्या करना था, पूछ रहा था कि दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो पहले हमने देखा प्यारे बच्चों कि ये जो छायांकित भाग है वो अर्ध भाग में है, कितना है अर्ध भाग में, तो अर्ध गोले में से ये त्रिभुज काटकर बाहर किया गया है, तो अर्ध गोले में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमने घटा दिया तो प्राप्त कितना हो गया 28 प्राप्त हो गए प्यारे बच्चों। फिर हमने देखा कि एक गोला और छायांकित किया गया, तो उस गोले को भी उसी 28 में प्लस कर दिए तो हमारा जो आंसर था वो प्राप्त हो गया प्यारे बच्चों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 10 की। गाइस 10वां नंबर आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कर रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दिया है आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपके प्रश्न में दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर वर्ग। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानते हुए, यानी इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त, इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त, इसको केंद्र मानते हुए एक वृत्त, मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे की बराबर त्रिज्या लेकर, त्रिभुज के भुजा के आधे के बराबर त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों यहां पर आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छायांकित भाग कौन से हैं, ये डी नाम दें, ये ई नाम दें, तो एफ नाम दें, तो छायांकित भाग डी ई एफ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कुछ आपके मदद के लिए चीजें दी गई हैं, पाई का मान आप 3.14 उपयोग कीजिए और अंडर रूट 3 का मान 1.73205 दिया है, यही दिया है ना, ठीक यही चीज है आपके पास। ठीक, तो चलिए ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल है, क्या कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो प्यारे बच्चों छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको दिया ही है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड, तीन त्रिज्यखंड, तीनों त्रिज्यखंड को काटकर बाहर कर दें, देखिए ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इनमें से एक त्रिज्यखंड काट दिए, ये दूसरा काट दिए, ये तीसरा काट दिए, तो जो बचा हुआ क्षेत्रफल होगा वो यही होगा छायांकित भाग का। तो आइए हम इसी को, यानी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीन त्रिज्यखंड काट के बाहर कर देंगे बस। सबसे पहले प्यारे बच्चों अब हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्यखंड की त्रिज्या पता होना चाहिए, तो प्रश्न में बोला कि त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है वो समबाहु त्रिभुज का आधा है, समबाहु त्रिभुज की भुजा का आधा है, तो पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे। तो आइए हम पहले समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालेंगे, तो क्या होता है प्यारे बच्चों फार्मूला में, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो था अंडर रूट 3/4 भुजा का वर्ग होता है। ठीक, ध्यान से देखिए अब क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना आपको, बस केवल ध्यान से समझना, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको दिया गया है 17,320.5। ठीक, इतनी बात आप समझे, इतनी बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है बराबर क्या हो जाएगा ध्यान से देखिए, बराबर अंडर रूट 3, ठीक, और बटे कितना 4, गुणे कितना है प्यारे बच्चों भुजा का वर्ग है, ध्यान से 4 का गुणा यहां करेंगे तो 17,320.5 गुणे 4, ये अंडर रूट 3 आपका नीचे आ जाएगा,
अंडर रूट तीन आपका नीचे आएगा, बराबर उधर बचेगा प्यारे बच्चों भुजा का वर्ग। ध्यान से देखिए, अब हम करते क्या है, अंडर रूट तीन का मान हमको पता है क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए 17,320.5 गुणे 4, अंडर रूट तीन का मान हमको बोला है आप 1.73205 उपयोग में रख सकते हैं, ठीक बिल्कुल हम रखेंगे। ध्यान से देखिए, अब इस पॉइंट को कटाएंगे प्यारे बच्चों, यहां पहले भुजा का वर्ग रख देते हैं, यहां भुजा का वर्ग, ध्यान से देखिए इस पॉइंट कटाएंगे तो एक लगाएंगे, आगे 1 2 3 4 5 तो 5 0 लगाएंगे, 2 3 4 5 5 0 लग गया। अब ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को कटाएंगे प्यारे बच्चों तो इस पॉइंट को कटाएंगे तो 1 0 यहां लग जाएगा, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, जो बचा हुआ चीज है अब वो ऊपर चला जाएगा प्यारे बच्चों, जो बचा हुआ चीज है वो कहां पहुंच जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा 17,320.5 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 और गुणे कितना है 4 है, और यहां पूरे के बटे कितना है प्यारे बच्चों 17,320.5 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा और ये आ जाएगा भुजा का वर्ग। ध्यान से देखिए, भुजा का वर्ग तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो ये गुणे कितना हो जाएगा 4 बराबर भुजा हो जाएगा। चलिए अब ये अंडर रूट से बाहर आएगा, तो ये जब अंडर रूट से बाहर आएगा प्यारे बच्चों तो आपको ये ध्यान देना है कि जब ये अंडर रूट से क्या हो जाएगा अब बाहर आएगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 100 यानी मिला जुला के ये कितना हो जाएगा 100, ये 100 और ये कितना आ जाएगा 2 बराबर भुजा, तो भुजा कितना हो जाएगा 100 दुनी 200 तो 200 सेंटीमीटर भुजा मिलेगा, कितना मिलेगा 200 सेंटीमीटर भुजा प्राप्त होगा। भुजा यहां से लेके यहां तक का 200 है, तो बोल रहा था कि जो त्रिज्या है वो भुजा का आधा है, जो त्रिज्या है वो भुजा का कितना आधा है यानी 100 सेंटीमीटर, तो प्यारे बच्चों जो त्रिज्या है, त्रिज्या भुजा का क्या है आधा है, तो भुजा बटे 2, भुजा कितना है प्यारे बच्चों भुजा कितना है 200 बटे 2 करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी जो त्रिज्या आएगी कटे हुए त्रिज्यखंड की जो त्रिज्या है वो कितनी है 100 सेंटीमीटर है। पहले आप इतनी बात आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों, आपने केवल समबाहु त्रिभुज की भी भुजा निकाला, भुजा के आधार पर त्रिज्या निकाल लिया। अब हमारा सवाल आसान हो जाएगा कब, जब हम तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो वही तीनों त्रिज्यखंड कटे हुए हैं, तो प्यारे बच्चों आइए अब हम डायरेक्टली निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा तीन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीन त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलिए अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आपको दिया गया है 17,320.5 माइनस तीन और एक त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक अब देखिए ये आएगा 17,320.5 माइनस क्या हो जाएगा माइनस तीन गुणे थीटा, आपको पता है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने होते हैं 60 अंश के होते हैं, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो जाएगा 60 बटे 360, पाई का मान 3.14 पहले से बोला है, त्रिज्या आपके पास है 100 गुने 100 ध्यान से देखिए, अब 60 × 3 = 60 हो जाएगा, 3 × 1 = 3 × 3 = 6 हो जाएगा, 2 × 1 = 2 = 50 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों ध्यान से देखिएगा, अब आपके सामने बचा 17,320.5 माइनस कितना हो जाएगा 3.14 गुणित 50 गुणित कितना हो जाएगा 100, ये पॉइंट कटाएंगे तो बटे 100, 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक ठीक प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, केवल ध्यान देना है कि 314 में 50 का गुणा करना बस, तो 17,320.5 माइनस क्या हो जाएगा, लास्ट में एक जीरो लगाइए, 5 × 20 5 × 5 = 7 5 × 3 = 15 ठीक, तो अब हम इन्हीं में घटा देंगे बस, घटाएंगे प्यारे बच्चों तो टोटली आंसर आ जाएगा 1620
1620.5 सेमी वर्ग। इस प्रकार आपका ये जो है ये भी प्रश्न क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। मैंने पहले ही बोला था कि आपको क्या करना है, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड, तीनों त्रिज्यखंड को घटा देना। वही आपने किया है प्रोसेस पर बच्चों, जो कि आपका आंसर आ गया है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 11 क्या कह रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, एक वर्गाकार रुमाल है, ये एक वर्गाकार रुमाल है जिसपे 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाए गए। प्यारे बच्चों ऐसे करके 9 वृत्ताकार डिजाइन बनाए गए हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। प्यारे बच्चों यानी प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान देना, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। आगे करा तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यानी कहने का मतलब है कि रुमाल में ये जो शेष भाग बचे हैं, ये 9 डिजाइन काटने के बाद, 9 डिजाइन बनाने के बाद शेष भाग का क्षेत्रफल। तो प्यारे बच्चों इस वर्गाकार रुमाल के क्षेत्रफल में से इस 9 वृत्त के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो हमको शेष भाग का क्षेत्रफल बच जाएगा। तो उससे पहले प्यारे बच्चों त्रिज्या दी गई है, केवल हमको भुजा की जरूरत है, पहले हम वर्ग की भुजा निकालेंगे। प्यारे बच्चों तो ध्यान से देखना, पहले अगर मुझे भुजा की जरूरत चाहिए तो सोचो जरा सा, मैं केवल आपको इस ये वाली डिजाइन मिटा के आपको क्लियर करना चाह रहा हूं। सोचो यहां से लेके यहां तक की ये त्रिज्या होगी जो कि 7 है, यहां से लेके यहां तक की भी त्रिज्या है 7, तो 7 7 14, तो 14 सेंटीमीटर में प्यारे बच्चों आप ये जो आपका ये जो वृत्त है पूरा यहां से टच किया, एक तीनों से स्पर्श कर रहे हैं, तो 14 सेंटीमीटर आप यहां पहुंच गए। अगला जो 7 होगा यहां होगा, अगला जो 7 होगा वो यहां, अगला 7 यहां, अगला 7 यहां, तो 7 7 14 7 21 7 28 7 35 7 42, मतलब यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है 42 सेंटीमीटर, मतलब वर्ग की भुजा 42 सेंटीमीटर है। इस बात को ध्यान देना, या तो हम कह दें प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 है, तो भाई प्रत्येक वृत्त का व्यास भी, प्रत्येक वृत्त का जो व्यास होगा वो त्रिज्या के 2 गुने होता है ना, तो 2 7 14 सेंटीमीटर। अब एक एक लाइन में 3 वृत्त हैं, तो तीन एक एक लाइन में 3 वृत्त हैं, तो तीनों वृत्त का व्यास ही तो एक भुजा होगा, तो लिखेंगे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर 3 गुणे वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास कितना है, 14, 3 गुणे 14 बराबर 42 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों वर्ग की भुजा मिल गई। अब हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे, क्या कह रहा था, रुमाल में शेष भाग का क्षेत्रफल तो बिल्कुल हम निकालेंगे। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, वर्गाकार रुमाल का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल प्यारे बच्चों, रुमाल का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 9 वृत्त का क्षेत्रफल, 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए तो वर्गाकार का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, किसका, भुजा का वर्ग, और 9 गुणे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो भुजा कितना है, 42 का वर्ग माइनस 9 गुणे पाई, पाई का मान 22/7, आर त्रिज्या कितनी है प्यारे बच्चों, 7 है, तो 7 गुणे 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 42 का वर्ग कर देते हैं प्यारे बच्चों। तो 42 का जब आप वर्ग करोगे तो जो कि 1764 आएगा, 1764 माइनस इनका गुणा करेंगे तो 1386 आएगा, कितना आएगा प्यारे बच्चों, 1386 घटा देंगे तो 378 सेमी वर्ग आ जाएगा। इस प्रकार रुमाल में जो शेष भाग बचा है उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। प्यारे बच्चों 12वां नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि दी गई आकृति में OACB केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाला एक चतुर्थांश है। प्यारे बच्चों यानी इसकी जो त्रिज्या, ये जो OACB एक चतुर्थांश है जिसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है। तो पहली बात तो आपको इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर दिया है। आगे कह रहा यदि OD
बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो आगे कह रहा निम्नलिखित में से क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनमें सबसे पहला है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका प्यारे बच्चों? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोल रहा आपसे। और सेकंड नंबर कह रहा है छायांकित भाग का। किसका? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला है। तो बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग ज्ञात करेंगे। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कहा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। सवाल को समझिए कि ये कोई चतुर्थांश है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, यहां से लेके यहां तक की जो दूरी है वो 3.5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या है। अब कह रहा कि पहले आप चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करो। भाई बिल्कुल ज्ञात कर देंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश ओ ए सी बी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 πr² 1/4 π का मान प्यारे बच्चों 22/7 रख देते हैं। आर का मान आपके पास है 3.5 × 3.5, पॉइंट कटाए बटे 10, पॉइंट कटाए बटे 10। ठीक, तो कटाइए। देखिए 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10। ठीक, ध्यान से देखिएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 × 11 = 22 हो जाएगा। 11 × 7 = 77, 4 × 2 = 8, तो 77/8 सेमी वर्ग आएगा। ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल है प्यारे बच्चों। सेकंड नंबर में पूछा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का कैसे निकलेगा? पूरे चतुर्थांश में से ये जो त्रिभुज है वही बाहर है ना, तो चतुर्थांश के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को बाहर कर देंगे तो यही बचे जाएगा आपका। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका प्यारे बच्चों? चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस होगा त्रिभुज ओ बी डी या ओ डी बी ओ का क्षेत्रफल। ठीक, ध्यान से देखिए, अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल है 77/8 सेमी वर्ग, आपने पहले ही निकाला है, माइनस त्रिभुज का होता है 1/2 × आधार × ऊंचाई, यही फार्मूला होता है प्यारे बच्चों। ध्यान से देखिएगा, तो ये आ जाएगा 77/8 माइनस 1/2। त्रिभुज का आधार कितना है प्यारे बच्चों? 3.5 है। ऊंचाई कितनी है? 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 77/8 माइनस 3.5। पॉइंट कटा के क्या कर दिए प्यारे बच्चों? 1/10 लगा दिए। 8 और 10 का क्या ले लेंगे? लसा ले लेंगे। तो आप हल करोगे तो 8 और 10 का जब लसा लेकर आप हल करेंगे प्यारे बच्चों, तो या तो आप इन्हें कैंसिल करके हल कर लीजिए, तो आपका आएगा 49/8 cm². कितना आएगा? 49/8 सेमी वर्ग, यही आपका आंसर आएगा प्यारे बच्चों। ठीक, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। ठीक, क्या करना था? केवल आपको यह ध्यान देना है चतुर्थांश में से त्रिभुज घटाना है, बस आपको मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 13 क्या कर रहा है, जो कि आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा, कर रहा है, दी गई आकृति में एक चतुर्थांश ओ ए बी पी उल्टा दिया है प्यारे बच्चों, ओ पी बी क्यू ये चतुर्थांश है। आगे कह रहा है इसी में एक वर्ग ओ ए बी सी भी बना है, और ओ ए बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर। मतलब वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर दिया है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और साथ में पाई का मान आपको 3.14 रखना है। खुद बोल दिया है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान से देखिए। तो चलिए ध्यान हम लोग रखेंगे, क्या करना है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे आएगा? सोचिए, चतुर्थांश में से अगर वर्ग को हम हटा दें तो यही बचेगा ना जो छायांकित है, तो बिल्कुल हम आसान से ज्ञात कर लेंगे। परंतु मुझे कुछ चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों त्रिज्या की जरूरत है, और जो ये लाइन त्रिज्या है, ये लाइन क्या है? त्रिज्या है, और यही लाइन तो वर्ग का विकर्ण है। वर्ग का क्या है? विकर्ण है। अर्थात हम कह सकते हैं कि चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण, अब प्यारे बच्चों वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है अंडर रूट टू गुणे भुजा। तो अंडर रूट टू, भुजा कितना है? 20। तो जो त्रिज्या आएगी वो 20
अंडर रूट दो आ जाएगा, 20 अंडर रूट दो। ठीक, अब हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बिल्कुल हम आसान तरीके से छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चलिए कैसे निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए कैसे निकलेगा, पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चलिए चतुर्थांश कौन है का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, किसका होता है भुजा का वर्ग। चलिए तो 1/4 पाई का मान 22/7 नहीं बल्कि क्या रखना, 3.14। और आर, आर कितना है प्यारे बच्चों, 20 अंडर रूट 2 का वर्ग कर देंगे माइनस भुजा, भुजा कितना है 20 है। ठीक, ध्यान से देखिए, अब 1/4 × 3.14, 20 का वर्ग करेंगे तो 400, अंडर रूट 2 का वर्ग करेंगे तो 2, और यहां आ जाएगा 400। ठीक प्यारे बच्चों, अब आप देखिए 4 से कटा देंगे तो ये 100 आ जाएगा, 100 ये पॉइंट कटाएंगे तो 100, ये 100 से 100 कैंसिल, तो आपके पास 314 × 2 − 400 बच जाएगा। तो 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 6 − 400 घटा देंगे प्यारे बच्चों तो 228 सेमी वर्ग आएगा। इस प्रकार आपका ये भी प्रश्न क्या होता है, कंप्लीट होता है, प्रश्न नंबर 13 भी, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम बातें करने वाले हैं प्रश्न नंबर, प्यारे बच्चों अब आपको प्रश्न नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, क्या कह रहा है, ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 2107 सेंटीमीटर वाले दो सकेंद्री वृत्त के दो चाप हैं। प्यारे बच्चों जो ये ए बी है और ये सी डी, ये दोनों चाप हैं, एक जो है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और एक क्या है 21 सेंटीमीटर है, करा छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों छायांकित भाग का ये, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मान लेते हैं जो सी डी चाप है, सी डी चाप की जो त्रिज्या है उसे हम आर वन नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों, आर वन, आर वन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है। और जो ए बी चाप है, क्या प्यारे बच्चों, जो ए बी चाप है उसकी त्रिज्या हम नाम देते हैं आर टू, जो कि किसके बराबर है 21 सेंटीमीटर के बराबर है। ये 7 सेंटीमीटर, ये आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों 21 सेंटीमीटर। अब आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखना, एक 7 सेंटीमीटर हो गया, एक आपका 21 सेंटीमीटर हो गया, इतनी बात आपकी क्लियर हो गई प्यारे बच्चों। अब आपको छायांकित भाग का निकालना, तो छायांकित में क्या होगा, बड़े चाप का क्षेत्रफल माइनस छोटे चाप का क्षेत्रफल, खत्म सवाल। तो प्यारे बच्चों अब क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए, अब बड़े त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर, बड़े का क्या है आर टू स्क्वायर हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा θ/360 पाई आर वन का स्क्वायर, कुछ चीज कॉमन है प्यारे बच्चों, तो θ/360 पाई कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आर टू का वर्ग माइनस हो जाएगा आर वन का वर्ग। थीटा का मान प्यारे बच्चों प्रश्न में दिया है 30 है, यहाँ 360, पाई का मान प्यारे बच्चों 22/7 रख लेते हैं, आर टू, आर टू कितना है प्यारे बच्चों 21 है, तो 21 का वर्ग माइनस 7 का वर्ग। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 3 × 1 = 3, 12 × 3 = 36 हो जाएगा, 11 × 2 = 22, 6 × 2 = 12 हो जाएगा, यानी यहाँ 1/6, यहाँ 11/7, 21 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों तो 441, और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, घटा देते हैं प्यारे बच्चों, घटाइए तो 1 × 11 = 11 और 7 × 6 = 42, 11/42 आ जाएगा, गुणे 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ बचा 3, 13 में से 4 घटाएंगे 9 आ जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका 392 आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा
392, क्या ये कट जाएगा? बिल्कुल कटेगा, बिल्कुल कट जाएगा प्यारे बच्चों। कितने बार लेके जाएंगे? चलिए दो से कटाइए, ये आ जाएगा 21, ये आ जाएगा 2 1 के 2, एक बचा ना, 2 1 के 2 कितना बचा प्यारे बच्चों, एक, फिर 2 9 18, एक बचा, फिर 2 6 12। ठीक, अब 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटाइए, 3 6 18 और एक बचा, नहीं 3 से नहीं कटेगा प्यारे बच्चों। अब आपको गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए बस, 11 गुणे 196 बटे 21 कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। तो प्यारे बच्चों पूरा जब आप इसको गुणा करेंगे सब कुछ करेंगे तो मिला जुला के आपका क्या आ जाएगा, क्या आएगा, पूरा के पूरा आपका आंसर आएगा 11 गुणे 196 कीजिए, 11 गुणे 196 करेंगे तो 21 56 आएगा। ठीक, और बटे कितना है, 21 है। अब कटाइए, क्या 3 से कटेगा ये, 3 7 21। ठीक, क्योंकि आपका जो प्यारे बच्चे, 7 से कटाइए, 7 3 21, 3 कट गया प्यारे बच्चों। अब आगे आप 0 उतारे, 7 8 56 और 7 3 21, तो ये कट गए, तो आपका आंसर आ जाएगा 308/3 सेमी वर्ग। इस प्रकार आप इसको भी ज्ञात कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है प्यारे बच्चों, और कई बार ये सभी प्रश्न एग्जाम में आपके पूछे भी गए हैं प्यारे बच्चों, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है कि आज हमने जितनी भी सभी सवालें आपको बताई हैं, सभी सवालें आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आया होगा प्यारे बच्चों। यदि आपको समझ में आया होगा तो सभी दोस्तों को एक बार समझने का मौका जरूर मिले, इसलिए आप इस वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जो बचे हुए सवाल हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे प्यारे बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो है वो बचे भी हैं, दोनों सवाल आपके इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय।